मंत्री सिसोदिया ने कहा कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बमोरी के विकास को लेकर जनता से वादे किए थे, उन्हें पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी। नल जल योजना से गुना एवं बमोरी क्षेत्र के ग्रामों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। गुना एवं बमोरी क्षेत्र के ग्रामों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल, नल जल योजना के अंतर्गत होगा प्राप्त। उपरोक्त जानकारी मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना आकर स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। श्री सिसोदिया ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गुना व बमोरी क्षेत्र की ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राजघाट बांध से नल जल योजना के तहत लगभग 2700 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना में आधी राशि केंद्र सरकार व आधी राशि प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभदायक योजनाओं की जानकारी भी दी। पत्रकार वार्ता में गुना विधायक श्री गोपीलाल जाटव व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र सिकरवार भी उपस्थित रहे। गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने बजरंगगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने व बजरंगगढ़ के विकास के लिए अधिक से अधिक सहयोग व योजनाओं की मांग की। पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब भी श्री सिसोदिया ने दिए। आपको याद होगा चुनाव के समय में गोपी मिश्र सागर से ड्रिंकिंग पेयजल पानी का व्यवस्था के लिए 461 करोड़ रुपये का भूमि पूजन बमोरी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और उसी के तारतम्य में अभी एक नई योजना और हमने क्रियान्वित की है। करीब 1270 करोड़ रुपये की योजना है जिसमें चंदेरी के राजघाट से पानी लाया जाएगा बमोरी और गुना के गाँव में। इस तरीके से टोटल ये 2700 करोड़ की योजना मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र शासन से मिलकर, क्योंकि इसमें 50% ग्रांट जो मिलती है वो केंद्र की होगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट से, जिसका टेंडर 1 हफ्ते तक लग जाएगा। तो गुना और बमोरी के समस्त गांवों को टोटी से पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में यह पहले नंबर का प्रोजेक्ट है जो बमोरी विधानसभा के लिए और गुना के लिए आया है। तो 30 करोड़ रुपया मैंने अपने पंचायत के उस डायरेक्टरेट से 30 करोड़ रुपया बमोरी के लिए सेंक्शन कराया है, जिसमें जो मूलभूत समस्याएं हैं खंजा है नालियाँ और बुढ़िया सड़कें ये हमने सुधार कराया है, जिसका पैसा भी आ गया और अतिशीघ्र ही काम प्रारंभ हो जाए और कई जगह मैंने भूमि पूजन भी किया है। साथ ही करीब 53 करोड़ की सड़कें हमने सुधार कराई हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना और FDRDA के तहत। तो इस तरीके से करीब मान के चलिए कि 100 करोड़ रुपया हमने अपने विभाग से बमोरी और गुना की सड़कों के लिए दिया है और खनजों के लिए दिया है।